गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन आई एम मिस दीप्ति वरु योर गुजराती एजुकेटर स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने एक मात्रा वाले शब्द कैसे बनाते हैं वो लर्न किया राइट सो एक मात्रा के बाद कौन सी मात्रा आती है वेरी गुड ओ की मात्रा राइट तो आज मैं आप सबको ओ की मात्रा वाले शब्द कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगी स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको स्क्रीन पे पिक्चर दिख रहा है क्या है वो हॉर्स राइट हॉर्स को गुजराती में बोलते हैं घोड़ो तो घोड़ो शब्द लिखने के लिए हम लेटर यूज़ करेंगे घ को ओ की मात्रा प्लस ड को ओ की मात्रा घो डो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ढोल ओके तो ढोल शब्द बनाने के लिए हम यूज करेंगे ढ को ओ की मात्रा प्लस ल ढोल दिस इज बर्ड इसको गुजराती में बोलते हैं कोयल ओके तो कोयल शब्द बनाने के लिए हम यूज करेंगे क को ओ की मात्रा प्लस य प्लस ल कोयल ओके ये क्या है कैप राइट केप को गुजराती में क्या बोलते हैं टोपी तो टोपी शब्द बनाने के लिए हम यूज करेंगे टको ओ की मात्रा प्लस प को बड़ी ई की मात्रा टोपी दिस इज अ रूम रूम को गुजराती में बोलते है और डो, और डो शब्द बनाने के लिए हम यूज करेंगे ओ की मात्रा प्लस र प्लस ड को ओ की मात्रा और डो नाउ दिस इज अ वॉशरमैन ओके वॉशरमैन को बोलते हैं हम धोबी तो धोबी शब्द बनाने के लिए हम यूज करेंगे ध को ओ की मात्रा प्लस ब को बड़ी ई की मात्रा धोबी ये है इंस्ट्रूमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स को बोलते हैं ओजार ओजार शब्द लिखने के लिए हम यूज करेंगे अ को ओ की मात्रा प्लस ज को आ की मात्रा प्लस र ओजार हियर व्हाट इज राइट क्लाउन को बोलते हैं जोकर तो झोकर शब्द लिखने के लिए हम यूज करेंगे ज को ओ की मात्रा प्लस क कबूतर का क प्लस र झोकर दिस इज अ पैरट राइट पैरट को बोलते हैं पॉपट तो पॉपट शब्द बनाने के लिए हम यूज करेंगे प को ओ की मात्रा प्लस प प्लस ट पोपट ये है पिलो पिलो को गुजराती में बोलते हैं ओशिकु ओशिकु शब्द लिखने के लिए हम यूज करेंगे को ओ की मात्रा प्लस श को बड़ी ई की मात्रा प्लस क को छोटे ऊ की मात्रा ओके अपना टॉपिक जो है ओ की मात्रा उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी गई है लेट्स रीड एंड राइट तो आपको क्या करना है यहाँ पे ओ की मात्रा वाले जो शब्द है वो कॉपी करने हैं ओके और नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे आपको ऑप्शन में से एक आपको लेटर सिलेक्ट करके अपनी जो ब्लैंक्स है वो कंप्लीट करनी है ओके तो नंबर वन में है स को ओ की मात्रा सो और मैं ऑप्शन में से पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी न को ऊ की मात्रा ओके तो हमारा आंसर होगा सोनू नंबर टू में है श को ओ की मात्रा प्लस यहाँ पर है दो ऑप्शन ग और क तो मैं लिंग, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी सेकंड वाला ऑप्शन तो हमारा आंसर बनेगा शोक नंबर थ्री में है डेस्क क दो ऑप्शन है मैं यहाँ से सेकेंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर रही हूं फ को ओ की मात्रा फो क फोक ओके नंबर फोर में है डेस्क श दो ऑप्शन है ज को ओ की मात्रा और ज को ओ की मात्रा यहाँ पर भी मैं सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी ज को ओ की मात्रा जो नंबर फाइव एंड नंबर सिक्स आप खुद से ट्राई करेंगे ओके यहाँ पर लास्ट एक्सरसाइज है लेट्स रीड एंड राइट तो यहाँ पे आपको क्या करना है आपको ओ की मात्रा वाले शब्द दिए हैं उसको रीड करना है लाइक like, ध को ओ की मात्रा धो ब को की मात्रा बी धो बी को ओ की मात्रा लो की मात्रा टो तो, तो। इस तरह से आपको सारे जो शब्द है वो रीड करने हैं और यहाँ पर नीचे खाली स्पेस में आपको अच्छी हैंड राइटिंग में उसको कॉपी करके लिखना है एंड सेम एक्सरसाइज नेक्स्ट पेज पर भी कंटिन्यू है ओके तो आई होप आप सब ये वाली एक्सरसाइज ठीक से करेंगे ओके